नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली साल 2017-18 का आम बजट पेश कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद ये देश का पहला बजट है। इस आम बजट से समाज के हर तबके को काफी उम्मीदें हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब तक इस बजट की क्या खास बातें रही। फसल बीमा योजना के लिए साल 2017-18 में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस योजना का कवरेज 2016-17 के 30% से बढ़ाकर 17-18 में 40% तथा 18-19 में 50% करने का लक्ष्य है। किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित बजट में 10 बिंदुओं पर जोर दिया गया है। बजट में कृषि ऋण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है। अनुबंधित खेती के लिए एक आदर्श कानून बनाया जाएगा। सरकार आर्थिक वृद्धि का लाभ किसानों और कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 20,000 करोड़ 3 साल में नाबार्ड के लिए। दोहरे अंक की मुद्रास्फीति नियंत्रण में सुस्त वृद्धि तेज वृद्धि में बदली और कालेधन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी गई, ऐसा अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा। बैंकों में बड़ी जमा से ब्याज दरों को नीचे लाने में मदद मिलेगी। बजट में ग्रामीण इलाकों, गरीबी उन्मूलन व बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार ने महंगाई पर काबू पाया है। साल 2017 में विकास की रफ्तार तेज होगी। चालू खाता घाटा मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में घटकर 0.3% रहा। पिछले वित्त वर्ष में ये 1% था। 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना की अवधि 15 से बढ़ाकर 20 साल की कर दी। नोटबंदी अर्थव्यवस्था को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में से एक प्रयास है। इसके दीर्घकालिक फायदे होंगे, ऐसा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा। तो ये थी वो कुछ बातें जो अब तक बजट में करी गई हैं। बजट में आगे क्या होता है इसके